हे गाइस, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेकअप स्टोरी बाय शेफो पे. सो ये जो लुक देख रहे हैं आप, ये आज का लास्ट हैशटैग दिवाली फेस्टिव लुक है. और ये लुक बाय चांस क्रिएट हुआ है, क्योंकि करने का मैंने कुछ सोचा था और हो कुछ गया मेरे से. बट गाइस, आई लव दिस आई लुक. तो आप भी एक्साइटेड हो रहे होंगे ना, तो चलिए देख लेते हैं. पर उससे पहले लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है उस पर जरूर हिट कर दीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों. यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का वेलकम है. और मैंने अपने फेस को अच्छे से प्राइम कर लिया है, देन मैं अपनी आईलिड्स को प्राइम करूँगी. उसके लिए मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर, उसी से मैं अप्लाई करूँगी देन ब्लेंड कर लूँगी. देन मैं सेम फोटो फोकस वेट एंड वाइल्ड का ही कॉम्पैक्ट लिया है, उससे एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अपने आईलिड्स को सेट कर लूँगी. देन मैंने लिया है ये पर्पल का ब्राउन काजल, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अफोर्डेबल जेल काजल है. सो इससे मैं एक विंग क्रिएट करूँगी, बहुत शार्प नहीं बट हाँ एक विंग क्रिएट करूँगी. बहुत नीट क्लीन नहीं होना चाहिए, जैसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं. देन इसके बाद एक इसमें जो ब्रश की हेल्प से अच्छे अच्छे से स्मॉल स्ट्रोक्स में ब्लेंड कर लूँगी. देन इसके बाद मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का रोज़े इन द ईयर पैलेट, उसमें से ब्राउन कलर को लेके आईलाइनर के एजेस को ब्लेंड करूँगी. फिर उसी सेम पैलेट में से मैंने ये लाइट ब्राउन कलर लिया है ट्रांजेक्शन शेड, और उसे भी अप्लाई करूँगी देन ब्लेंड करूँगी सेम ब्रश की हेल्प से. देन मैंने ये डार्क ब्राउन कलर लिया है, देन उसे भी अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करूँगी. सो मैं यहाँ पे क्रिएट करने को एक हिस्मज विंग आईलाइनर सोच रही थी, बट वो हो नहीं पाया. सो कुछ और ही हो गया. सो अब मैंने सेम पैलेट में से एक ब्राउन कलर लिया है फ्लैट फ्लफी ब्रश के ऊपर, उसे मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करूँगी. तब तक ब्लेंड करूँगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता. सो अप्लाई करूँगी देन ब्लेंड करूँगी. तभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था कि मैं करना कुछ चाह रही थी और हो कुछ गया. जब ऐसा स्मजी लुक नहीं आया आईलाइनर वाला, तो मैंने सोचा चलो ब्रॉन्जी आई लुक क्रिएट कर देती हूँ स्मोकी. देन उसमें मैंने मेबेलिन द न्यूड्स पैलेट से ब्लैक शेड लेके अप्लाई किया है अपने आईलिड्स पे. देन लाइट ब्राउन कलर को लेके एजेस को ब्लेंड करूँगी अच्छे से, और बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत नॉइसेज आ रही होंगी क्योंकि आज दिवाली है तो घर पे तो कुछ ना कुछ काम चल रहा है. और गाइस, आज मैंने एक व्लॉग भी स्टार्ट किया है, तो देखते हैं मैं कंप्लीट कर पाती हूँ वो कि नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉग का. देन मैं फिर से सेम ब्राउन काजल को लेके अप्लाई किया है हल्का हल्का सा अपने आईलिड्स पे. देन मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का ही कंफर्ट जोन आई शेडो पैलेट, उसमें से ये ब्रॉन्जी कलर लेके मैंने अपनी ऑल ओवर आईलिड्स पे अप्लाई किया है. मैंने नहीं सोचा था मैं ऐसा लुक क्रिएट करूँगी, मैं कुछ और ही क्रिएट कर रही थी, बट जब वो नहीं हुआ तो इस तरीके से मैंने क्रिएट कर लिया. देन ब्रॉन्जी कलर को ब्लेंड करूँगी क्रीज कलर को लेके सेम पैलेट में से. देन इस सेम पैलेट में से एक लाइट शिमरी कॉपर शेड को लेके अपनी मिडिल आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी. ब्रश की हेल्प से नहीं अप्लाई हुआ तो फिर फिंगर की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. देन मेरा आई लुक कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं इसकी एजेस को अच्छे से क्लीन कर दूँगी एक वेट वाइप्स की हेल्प से. देन मैंने लिया है पर्पल का ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड कुछ ऐसा इसका नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा. काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये, काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर देता है फेस को. देन मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का फोकुटो फोकस फाउंडेशन, और इसमें मेरा शेड है आई थिंक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मुझे अभी याद नहीं है. मैं सेम डैम स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पे. मैं बोलने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती हूँ आई नो, बट मैं एडिट नहीं करती ताकि आप लोग रियलिटी देखें, कुछ फेक नहीं शो करती मैं.
देन इसके बाद मैंने सेम कंसीलर को लिया है और उसको यूजुअल प्लेसेस पे अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ। देन ब्लेंड कर लूँगी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से। देन मैंने सेम वेट एंड वाइल्ड का कॉम्पैक्ट लिया है, उसे एक ब्रश के हेल्प से पूरे फेस पे सेट कर लूँगी और जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई मतलब ज़्यादा फोकस करके अप्लाई करूँगी। देन मैंने लिया वेट एंड वाइल्ड का एक कॉन्ट्रोल पैलेट, इसमें से ब्राउन कलर को लेके अपने यूजुअल प्लेसेज जहाँ जहाँ पे मैं कॉन्ट्रोलिंग करती हूँ वहाँ पे कॉन्ट्रोलिंग कर लूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टोरिंग नहीं की है, बहुत लाइट कॉन्टोरिंग की है। सो यहाँ पे एक फिर से मैंने मेबेलिन का था न्यूड्स पैलेट लिया, उसमें से ब्लैक शेड एक फ्लैट स्मॉल ब्रश पे लेके अपने लोअर लैश लाइन के क्लोज स्मच करूँगी ताकि स्मोकी लुक क्रिएट हो। देन सेम ब्रॉन्ज कलर को लेके वेट एंड वाइल्ड के कम्फर्ट जोन पैलेट में से अप्लाई करूँगी उसी ब्लैक शेड के थोड़ा सा नीचे, साथ में ब्लेंड कर लूँगी। इसके स्पार्कल थोड़े थोड़े से मेरी आईज़ में जा रहे थे। देन एक स्मजर ब्रश की हेल्प से वही कॉपर शेड जो मैंने अपनी आईलिट्स सेंटर आईलिट्स पे अप्लाई किया था सेम वही वाला अपने लोअर लैश लाइन के सेंटर में अप्लाई करूँगी। सो आईज आर डन। इसके बाद मैंने लिया है ये फेसेस का मैग्नेट आई काजल है, शायद नहीं काजल ही है। सो मैं इसे अपने अपर एंड लोअर वाटर लाइंस को टाइट लाइन कर लूँगी और मैंने अपनी आईब्रोज ऑफ कैमरा फिल कर ली थी सेम मेबेलिन के द नूड्स पैलेट से। सो यहाँ पे आईज डन और मैंने फॉल्सीज अप्लाई कर लिए हैं, ये फॉल्सीज मैंने शीन से ऑर्डर करी थी। इसके बाद मैंने लैकमे का आईलाइनर लिया है तो उससे उस लिक्विड आईलाइनर है ब्लैक में, सो उससे मैं केवल बैंड्स को हाइड करूँगी अपने आईलैसेस के और ज़्यादा कुछ नहीं अप्लाई करूँगी आईलाइनर। देन इसके बाद मैंने लिया है ये शुगर का ब्लश, इसमें मेरा शेड है कोरल, सो इसे मैं अपने एप्पल ऑफ माय चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी स्माइल करते हुए। देन इसके बाद मैंने हाइलाइटर के लिए लिया है मेबेलिन का द मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन गोल्ड, इसे मैं यूजुअली प्लेसेस जहाँ जहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। देन लास्ट स्टेप, यहाँ पे मैंने लिया मेकअप रेवोल्यूशन का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे और ये एक डुई काइंड ऑफ सेटिंग स्प्रे है। सो इसे अप्लाई करके पूरे फेस पे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप कर लूँगी ताकि जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो ये सोक इन कर ले और मेरा फेस पे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। देन इसके बाद मैंने अब लिपस्टिक ली है मेबेलिन की लिपस्टिक है ये। सो इसमें मेरा शेड है आई थिंक टच ऑफ स्पाइस, काफ़ी प्यारा न्यूड शेड है बट इस पर बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, काफ़ी अच्छा शेड है और काफ़ी क्रीमी लिपस्टिक है बट मैट लुक देती है। सो देन इसके बाद मेरा लुक कंप्लीट हो गया है और मैंने एक बन बना लिया है और आगे से फ्लिप्स निकाल लिए हैं और ये इयररिंग है शीन के, सो काइंड ऑफ ये ब्रॉन्जी आई स्मोकी आई लुक क्रिएट हो गया है विद न्यूड लिप्स। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैंने एक अपना आज दिवाली है तो व्लॉग स्टार्ट किया है, देखते हैं कब तक जाता है। सो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू है मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने वाली हूँ। टिल देन बाय, लव यू गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।